नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेब के बागवान के सबसे हानिकारक कीट के नियंत्रण और रोकथाम के बारे में, जिस कीट को हम वूली एप्पल एफिड या रुई बनाने वाले कीट के नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सही समय पर आपको कृषि संबंधित जानकारी मिलती जाए। वूली एप्पल एफिड कीट के लक्षण सेब के छोटे पेड़ों पर सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। यह कीट पेड़ की कलियों, जहाँ से फूल बनने होते हैं या जहाँ से पत्तियाँ निकलनी होती है, वहाँ पर अपना घर बनाकर रस चूसना शुरू कर देता है। यह कीट पूरे वर्ष सेब के बागवानों को नुकसान पहुँचाता है और ठंड के महीनों में तापमान को झेल ना पाने के कारण पेड़ की जड़ों में चले जाता है और गांठें बना देता है, जिसके बाद इस कीट को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाता है। वूली एप्पल एफिड का प्रकोप जून और जुलाई के महीनों में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और जुलाई के महीनों तक यह कीट अपनी उड़ने वाली अवस्थाओं को प्राप्त करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और परिस्थिति बिगड़ने के बाद इस कीट के कारण पेड़ की जड़ प्रणाली नष्ट हो जाती है, पेड़ मिट्टी से अपनी पकड़ छोड़ देता है और आखिर में मर जाता है। सबसे पहले तो पेड़ के कम संक्रमित हिस्सों को हाथों की मदद से साफ कर दें और कटाई और छटाई के समय पेड़ के सूजे हुए हिस्से को या ज़्यादा संक्रमित हिस्सों को काट दें। और याद रहे, कटे हुए स्थानों पर चौपटिया पेस्ट को लगाना जरूरी होता है, जिसकी वजह से पेड़ पर और अन्य कोई भी संक्रमण नहीं फैलता है। सेब के छोटे पेड़ों के लिए स्टिकी बैंड का प्रयोग करने से इस कीट को मिट्टी में जाने से रोका जा सकता है और अगर यह कीट एक या दो पेड़ों पर है तो दवाइयों का प्रयोग ना करें। अगर पेड़ पर इस कीट का प्रकोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो 160 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन को प्रति पेड़ उपचारित किया जा सकता है और 1500 से 2000 ml क्लोरोफायरोफॉस को 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करने से इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।